ठीक है, ये है अपना एक्डोन का पीलो का इक्विपमेंट, ठीक आपने मिशन करना। तो सबसे पहले इसे यूज़ करने का तरीका देखते हैं। सबसे पहले इसमें हमें इसे बैटरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो बैटरी इंस्टॉल करने के लिए वी हैव टू ओपन द स्क्रू। बैटरी सो वी हैव टू सी प्लस एंड माइनस इन द बोथ साइड। सो अकॉर्डिंग टू द साइन वी हैव टू इंस्टॉल द बैटरी। या यू हैव हर्ड दिस बीप साउंड आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ द बैटरी। दिस विल गिव अ बीप साउंड। नाउ इट इज ऑन। तो अभी ये ऑन है, बैटरी इंस्टॉल करने के बाद में ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे इसमें तीन बटन हमें इसमें शो कर रखे हैं। ठीक, तो पहले हम इनकी वर्किंग समझ लेते हैं, उसके बाद में इस पर जो कैप लगाएंगे वो हम देखेंगे। सबसे पहला ये बटन, ये मेन बटन है, इसे जब हम प्रेस करेंगे, अभी यहाँ पर कुछ भी सिर्फ 0-0 है और नीचे भी 0 है। जैसे हम बटन प्रेस करेंगे हीट का साउंड देगा और ये राउंड सर्कल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये रीडिंग लेने के लिए तैयार है। जब तक ये ऑन रहेगा हम पेशेंट की आई पर रीडिंग ले सकते हैं। ठीक, एक बार से ऑफ होने देते हैं। ये अभी दूसरा बीप का साउंड आया, इसका मतलब हमने रीडिंग ले ली। ठीक, यहाँ पे फिर ये डेटा शो करेगा। इन दोनों से अप एंड डाउन करके हम दूसरा डेटा चेक कर सकते हैं। ठीक, फॉर एग्जांपल ये 9 रीडिंग लेता है, तो 9 रीडिंग का डेटा हम चेक कर सकते हैं। न्यू पेशेंट के लिए अगर हमने चेक करना है तो इन दोनों बटन को लॉन्ग प्रेस कर देंगे, एक बीप का साउंड आएगा, वो डेटा इरेज हो जाएगा। अब हम न्यू पेशेंट का डेटा ले सकते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं इस पर कैप कैसे लगा। ठीक, तो हमें सिंपली इसे ऐसे करके इंसर्ट करके और ये कर कैप का हमें ध्यान रखना है, इसका जो एक्टिव कवर है ये बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। ये मैंने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ लिया है, जब आप न्यू पैक ओपन करेंगे तो पहले से वो सेट आता है, तो आपको इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ये बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए और लूज़ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, यूज़ करने के लिए इसे हम इस तरह से पकड़ेंगे, ऐसे ये प्रेस किया और पेशेंट की आई पे टच किया, ये प्रेस किया पेशेंट की आई पे टच किया। फॉर एग्जांपल अभी पेशेंट नहीं है तो हम पहले हम बबल पेपर से बबल पेपर पे टच करके देखेंगे। ठीक है, ये मैंने प्रेस किया ऐसे करके, ये फॉर एग्जांपल ये कॉर्निया और ये पेशेंट, जो फ्लैट सरफेस है वो सेंट्रल कॉर्निया पे टच होनी चाहिए। जैसे टच होगी बीप का साउंड आएगा। ठीक है, ये हमें सिर्फ एक बार प्रेस करना है। ठीक है, उसके बाद में राउंड सर्कल घूमेगा। ठीक, हम टच करते रहेंगे, बीप की साउंड आती रहेगी। फ्लैट सरफेस सेंट्रल कॉर्निया पे टच करना है, हमें ऐसे नहीं पकड़ना, ऐसे नहीं पकड़ना, ऐसे नहीं पकड़ना। पकड़ने का तरीका ये है, ठीक, ऐसे करके सेंट्रल कॉर्निया पे हमें टच करना है। ये जो फ्लैट सरफेस है वो सेंट्रल कॉर्निया, जैसे टच करेंगे बीप की साउंड आती रहेगी। ठीक, ये देखिए यहाँ पे दो रीडिंग आ रही हैं, ये कम ज़्यादा आ सकती हैं क्योंकि ये हमने इस पर लिया है बबल पेपर। ठीक, 24 नीचे इसका एवरेज आ गया।